अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और अल्लाह ताला आप लोगों को जहां रखे खुश रखे, आबाद रखे और हंसता मुस्कुराता रखे। तो जी अभी हो गया है फजर के बाद का जो टाइम होता है वो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत जो है वो सभी परिंदे अपने अपने घोंसलों से निकल कर अपने रिज़्क़ की तलाश के लिए निकल पड़े हैं। तो जी यहाँ पर मैंने अपने रूम के सामने ही जो है वो छोटे छोटे थोड़े से प्लांट्स रखे हुए, कितने खूबसूरत फूल भी निकले हुए हैं और ये माशाल्लाह मुझे बहुत बहुत पसंद हैं और प्लांट्स का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। और ये मैंने नया एक प्लांट लगाया है, अल्लाह करे कि ये जल्द से जल्द निकल आए। और जब ये निकलना शुरू हुआ तो तब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। और यहाँ ये गुलाब का भी लगा हुआ है एक गमले में, और ये देखें ये इसकी एक अभी निकल आई है और इंशाल्लाह ये फूल भी निकलेगा। तो जी ये हैं वो मेरे थोड़े से प्लांट्स और मुझे बहुत बहुत पसंद है अपने प्लांट्स। तो जी आप लोग साथ रहिएगा। और यहाँ पर हुरैन गौरी सोई हुई हैं। हुरैन गौरी ने आज माशाल्लाह पहला रोज़ा रखा है, तो ये सहरी करके सोई थी। तो अभी मैं यहाँ पर इनको उठा रही थी कि उठें और स्कूल जाना है, तो हुरैन गौरी को सुसाना शुरू हो गई थी। तो जब बच्चे पहला रोज़ा रखते हैं तो बड़ी एक्साइटमेंट होती है, बच्चों को भी होती है और पेरेंट्स को भी होती है। तो जी यहाँ हुरैन गौरी उठकर आ गई थी और वॉशरूम जा रही थी। और अभी टाइम हो गया था 7 बज गए थे, तो देखें सूरज भी निकलना शुरू हो गया है और ये टाइम बड़ा और अभी टाइम हो गया है हुरैन गौरी के स्कूल जाने का। तो आज माशाल्लाह हुरैन गौरी ने पहला रोज़ा रखा है और हुरैन गौरी का आज लास्ट पेपर भी है। फाइनली इन लोगों के एग्ज़ाम्स हो रहे थे और बड़ी टफ़ पढ़ाई चल रही थी। तो जी अभी हुरैन गौरी जा रही हैं स्कूल और वापस आती हैं, तो वापस आएंगी तो फिर आप लोगों से मिलेंगी। और यहाँ पर हुरैन गौरी के स्कूल का टाइम हो गया था। एक्चुअली हम लोगों का रूम ऊपर है, तो अभी हुरैन गौरी जा रही हैं स्कूल, तो वापसी में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, अब मैं आ गई हूँ स्कूल से वापस घर। तो देखिए मैंने अभी तक यूनिफॉर्म भी नहीं चेंज किया है और अब मैं जोहर की नमाज़ अदा करूँगी। आप लोग के साथ एक और बात शेयर करने लगी हूँ, ये मेरे पापा रमज़ान का कैलेंडर बनवा के लेके आए। आप लोग को कमेंट करके ये भी बताइएगा। मैं पढ़ने लगी हूँ नमाज, अब मैं ये रख देती हूँ यहाँ पर। जोहर की नमाज पढ़ूँ फिर मिलते हैं। और जी यहाँ पर अभी आ गई हैं हुरैन गौरी की कज़न सिस्टर आमना गौरी आ गई थी और ये हुरैन को हार डालने के लिए आई थी और बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि माशाल्लाह हुरैन गौरी ने पहला रोज़ा रखा है। और बच्चे बड़ा खुश होते हैं और पेरेंट्स भी बड़ा खुश होते हैं जब बच्चे पहला रोज़ा रखते हैं। और मैं बहुत बहुत खुश हूँ और बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी बच्ची को अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत दी, इतना हौसला दिया कि वो पूरा रोज़ा रख सके। और ऐसा है कि रोज़ा बड़ा मुश्किल तो नहीं है लेकिन बच्चों के लिए मुश्किल है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो गई है और
तो जी रोज़ा अफ्तार हो गया था और हम लोगों ने यहाँ पर अपनी बेटी को जो है वो खजूर दी थी कि आप रोज़ा यहाँ पर अबरी हुरैन गौरी को जो है वो गले में हार भी डाल दिया था। अच्छा होता है ना कि हमारी फैमिली में ऐसा होता है कि जब बच्चा रोज़ा रखता है, हमारे पेरेंट्स ये करते रहे हैं जब हम लोग छोटे होते थे, तो जब हम लोग पहला रोज़ा रखते थे तो ऐसा होता था कि हार डालते थे ऐसे, और हम लोग ट्रे के अंदर बहुत सारी अफ्तारी रखकर और अपनी सब फैमिली के जितने भी हमारे लोग हैं और रिलेटिव्स हैं सबके घर जाकर हम लोग देकर आते थे। तो जब वहाँ जाते थे तो वो लोग उन लोगों को पता लग जाता था कि आज हमारा पहला रोज़ा है। तो जी यहाँ पर हम लोगों ने ये कुछ सामान बनाया था और ये बहुत जल्दी में वीडियो में आप लोगों को के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया था और यहाँ पर हम लोगों ने ट्रे वगैरह बना ली थी, तारी भी लगी थी हम लोगों ने। तो बस बच्ची का रोज़ा खुलवा दिया था और यहाँ पर जो है वो हमारा ये छोटू जो है वो बड़ा मस्तियाँ कर रहा था। यहाँ उन हुरैन गौरी के हार लटके हुए थे और यहाँ पर जी हुरैन गौरी अफ्तारी अपनी बड़ी मामा के घर, मतलब अपनी ताया के घर देने के लिए जा रही थी। हम लोग एक ही घर में रहते हैं सब लोग, तो वो नीचे जा रही थी देने के लिए और यहाँ पर हुरैन गौरी का रोज़ा अफ्तार भी हो चुका था और हुरैन गौरी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी और बहुत ज़्यादा खुश भी हो रही थी। बच्चे बड़े खुश होते हैं। तो जी बस आज मेरा रोज़ा था तो मैं सब लोग के घर अफ्तारी देने गई थी, तो उन्होंने ये मुझे पैसे दिए थे, तो ये अब मैं आप लोगों को गिन के बताऊंगी। 100 मेरे माम ने दिए हैं, ये मुझे मेरी जीजी ने दिए, ये मुझे मेरे बाबा ने दिए, ये मुझे मेरी मम्मा ने दिए, ये मेरी नाना ने दिए और ये मुझे मेरी खालदानी ने दिए। ये मुझे चंदा अप्पो ने दिए, ये मुझे हीरा अप्पो ने दिए, ये मुझे मेरी रुबिना आंटी ने दिए, ये मुझे उस्मान मम्मा ने दिए, ये मुझे मेरी नानो ने दिया। ये मुझे कौन सी नानो ने दिया? ये वाले रजे अम्मानी, हाँ दादो हैं वो आपकी। ये मुझे मैं ये मुझे उसने दिया मोहम्मद की मम्मा अफसान अप्पा ने, हाँ ये मुझे चंदा अप्पा ने दिया, ये मुझे सारा पे ने दिए और ये मुझे मेरी हीरा को ने दिया। एज के बच्चे हैं वो रोज़ा रखें और रोज़ा अफ्ज़ाई करें, उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं रोज़ा रखूं। मैं पहला रोज़ा रख रही थी तो मैं बहुत एक्साइटेड थी। आप लोग को मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करके ज़रूर बताना कि आप लोग को मेरा कैसा लगा और लाइक भी करना। शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह ताला का, अल्लाह ताला ने माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा रोज़ा पूरा करवा दिया। ढेर सारा ख्याल रखना, अल्लाह।